नमस्कार, मैं गुलशन सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं भादरा लाइव न्यूज। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव को लेकर रणभेरी बच चुकी है और इसी बीच हरियाणा की इनसो पार्टी के दिग्विजय चौटाला जी आज राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर आए हैं। इसी बीच आज इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या इस बार इनकी पार्टी अपने उम्मीदवार राजस्थान विश्वविद्यालय के और जो राजस्थान के तमाम कॉलेजों में जो आज छात्र संघ संगठन के चुनाव हो रहे हैं उनको मैदान में उतारेगी। दिग्विजय जी, सबसे पहले आपका स्वागत है सर। आपसे पहला प्रश्न ये रहेगा, क्या आपकी पार्टी इस बार राजस्थान विश्वविद्यालय और राजस्थान के तमाम कॉलेजों में क्या अपने कैंडिडेट उतारेगी? निश्चित तौर पर इसमें कोई दोहराई नहीं। आपने कहा हरियाणा की पार्टी नहीं, आज चंडीगढ़ में, पंजाब में, दक्षिणी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, दिल्ली में बहुत मजबूती से छात्र संगठन है, खड़ा हुआ है और छात्रों के मुद्दे और उनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम कर रहा है। ऐसे में राजस्थान, मैंने जैसा कहा कि हमारा बेटी रोटी का नाता है, राजस्थान से हमारा बहुत पुराना लगाव है, जुड़ाव है और यहाँ के स्टूडेंट्स की इच्छा थी, इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का साथ बड़ी मजबूती से यहाँ पर आज ये पौधा लगा है। निश्चित तौर पर एक दिन ये वट वृक्ष का रूप धारण करेगा, राजस्थान में भी इनसो का टंका बजेगा, इसकी शुरुआत अब की। सर, आपके राजस्थान में कई कॉलेजों में कार्यक्रम, अब तक आप कहाँ कहाँ सर कार्यक्रम कर चुके हैं और भविष्य में सर अब कहाँ कहाँ आपके कार्यक्रम? मैं लगभग तमाम बड़े विश्वविद्यालयों का दौरा करके आया, चाहे उसके अंदर जोधपुर का हो, बीकानेर का हो, यहाँ आपके उदयपुर का हो, यहाँ का हो और बहुत सारे अनेकों कॉलेजों में मुझे जाने का अवसर मिला। हमने 5 अगस्त का अपना स्थापना दिवस जयपुर में मनाया जिसमें हज़ारों विद्यार्थियों ने बड़े उत्साह के साथ भूषण जी को सुना और ऐसे में मैं ही मान के चलता हूँ कि एक नई बड़ी ताकत बन करके इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पर। सर, आपका आपने बताया कि राजस्थान से आपका पुराना संबंध, आपके परिवार से भी यहाँ सर नेता रहे हैं, ऐसे में सर राजस्थान के लिए आप अपनी क्या प्राथमिकता मानते हैं? मैं ये मान करके चलता हूँ कि यहाँ अच्छी एजुकेशन, रिमोट लेवल पर अच्छी एजुकेशन में आज बहुत बड़ी कमी है, लाइब्रेरीज की स्थापना हो प्रत्येक गाँव के अंदर, रोजगार सुनिश्चित हो। हरियाणा के अंदर दुष्यंत जी ने जैसे 75% का कानून लागू किया है, यहाँ भी आपके बड़े IMTs हैं, बड़ी जो ऐसी जगहें हैं जहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर राजस्थानियों का कोटा फिक्स हो, बहुत सारे काम हैं जो होने वाले हैं, महिलाओं को प्राथमिकता पंचायतों में मिले, उसके लिए हम अपना रोड मैप यहाँ के लोगों के सामने रखें, मुझे उम्मीद है कि उनका सहयोग। सर, आपका भविष्य में कार्यक्रम नौ और भादरा का भी सर कार्यक्रम है और उधर के ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आपके पुराने संबंध भी सर वहाँ पे है, वहाँ पर सर आपके आगे की भविष्य की क्या राय? निश्चित तौर पर नोर भादरा, नोर से तो डॉक्टर अजय सिंह जी विधायक भी रहे और लगता हुआ सारा इलाका है उनका, तो जो है जैसे अपना देसी भाषा में कहें मंडी का सिस्टम भी कुछ लोगों का इधर कुछ का उधर, तो वहाँ का तो पारिवारिक एक दूसरे के साथ जुड़ाव है और निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है, पीछे भी हमने नोर के अंदर जब चुनाव लड़ा था स्टूडेंट यूनियन का तो लड़की हमारी जीत के भी आई, मुझे उम्मीद है कि इस पर बड़ी मजबूती से। सर, एक CDLU के बारे में आपसे हमारा प्रश्न रहेगा, राजस्थान के सर सैकड़ों युवा जो है वो CDLU में पढ़ते हैं और BPED के जो एग्ज़ाम हो चुके हैं हालांकि अब तक रिजल्ट नहीं आया और 23 सितंबर को PTI की सर फिक्स है, ऐसे में उसमें वही पात्र माना जाएगा जिसका 23 से पहले BPED सर कंप्लीट हो चुकी हो, ऐसे में सर रिजल्ट को लेकर विद्यार्थियों में और बच्चों में काफ़ी अच्छा बना हुआ है। ये बात हमारे सामने, मैं आज वाइस चांसलर साहब से बात करूँगी और उसको रिजॉल्व करना। सर, आपको तमाम जनता इस वक्त सुन रही होगी, क्या राजस्थान की जनता को आप संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि आप लोगों ने इन दोनों तीनों पार्टियों को बहुत बार अजमा कर देखा है, आज किसान कमेरे के जो नौजवान पीढ़ी है उसको अवसर चाहिए, उसको सही प्लेटफॉर्म, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने सदैव गरीब के बच्चे को आगे बढ़ाने का काम किया, हमारी सोच भी यही है कि आम घरों के बच्चे नौजवान पीढ़ी है वो आगे आए, राजनीति में अपनी राय रखे, ना केवल रायशुमारी रखे बल्कि उनका हिस्सा भी तय और किसान परिवारों के बच्चों का हिस्सा तय। तो यहाँ पर जो है मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से देखा जाए और नीचे तक बहुत बड़ी कमी है, किसान को यूज़ तो किया जाता है पॉलिटिक्स के तौर पर, उसको जगह नहीं मिलती। मैं ये मानता हूँ कि राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा स्कोप है, हम सब लोगों को संगठित होना चाहिए और एक माला में जैसे मोती पिरो जाते हैं, जैसे किसान मजदूर गरीब जनता जब एक होगी मजबूत होगी निश्चित तौर पर हम अपनी सोच की सरकार बनाने का। सर, स्टूडेंट इलेक्शन नहीं, इसके अलावा आपकी बार आपकी पार्टी की चर्चाएं हैं विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर राजस्थान में जो भविष्य में सर होने वाले हैं उसको लेकर सर क्या तैयारी? इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं कि प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष तौर पर हम यहाँ पर बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। तो हमारे साथ दिग्विजय जी चौटाला इस वक्त मौजूद है जिन्होंने बताया कि राजस्थान विश्वविद्यालय के चुनाव में अपनी पार्टी का झंडा अभी ये गाड़ चुके हैं और जल्द ही इनके प्रत्याशियों की भी घोषणा होने वाली है। राजस्थान के तमाम कॉलेजों में दिग्विजय जी अब
दौरा कर रहे हैं और दौरा करने के साथ साथ अपने प्रत्याशियों को भी मैदान में उतार रहे हैं और कड़ी टक्कर देने का काम इस बार जो 26 अगस्त को जो चुनाव होने हैं उसमें दिग्विजय चौटाला जी और उनकी पार्टी करेगी। अब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। इसी के साथ मैं जयपुर से गुलशन सोनी, धन्यवाद।